इमरान एक बारात को लेकर बहुत ही सुनसान इलाके से गुजर रहा है। पहली बारात है जो ट्राली में जा रही है। क्या बोला भाई? ऊपर से अमावस की रात, सुनसान सड़क पर सिर्फ इमरान की गाड़ी चल रही है और अचानक से उसकी नजर पड़ती है। क्या बात है? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आगे तकलीफ मिलेगी। ठीक है, पीछे बैठ जाओ। तो इमरान उस अनजान आदमी को लिफ्ट दे देता है और हो सकता है यह उसकी सबसे बड़ी भूल हो। क्या बात है भाई? लिफ्ट चाहिए थी। बैठो, आ जाओ, बैठ जाओ। उस अजनबी ने कहा कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही। क्या हो गया? क्यों बंद हुई गाड़ी? अमावस की रात। इमरान की गाड़ी का डीजल खत्म हो जाता है उस अनजान आदमी के बैठने के बाद। ऊपर से अमावस की रात, इंसान रास्ता, आप समझ सकते हो क्या सिचुएशन होने वाली है। को कुछ करना पड़ेगा इस अंधेरे जंगल में, सुनसान रास्ते में डीजल लाने के लिए। डीजल ख़त्म हो गया है भाइयों, डीजल ख़त्म हो गया है। आप लोग यहीं रुको, मैं ना डीजल का इंतज़ाम करके आता हूँ, है ना। बोतल तो लेकर ही नहीं गया हो डीजल के लिए? बोतल की कोई ज़रूरत नहीं। अरे अरे, चलो चलो बाहर बैठो। चलो इधर आ जाओ, यहाँ बैठो। पता नहीं कितनी देर लगती। निकलने के टाइम डीजल चेक नहीं किए थे क्या? उसकी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, इतनी रात में सुनसान सड़क पर तुम क्या कर रहे हो? मैं ऑफिस से आज थोड़ा लेट हो गया था, घर जा रहा था, रास्ते में मेरी बाइक खराब हो गई। अमावस की रात गाड़ी का खराब होना अब शगुन होता है। इसको डराना बंद कर दो यार। क्या इसको बार बार डरा? नहीं, डरा नहीं मैं। डरना भी नहीं, जो डरता है उसी को डराया जाता है। चलो यार खामोश बैठो यार। चलो भाई इधर उधर कुछ बातें कर। क्या बात करते? क्या हो रहा? सुनाओ कुछ, तुम सुनाओ पहले। चल भाई, दुल्हे की फरमाइश पर शुरू हो जा। क्या सुनाओ? एक दफे ना ऑफिस में मेरे साथ एक हादसा हुआ था, वो सुनाता हूँ। हाँ ठीक है, वही सुनाओ। एक मरतबा मैं ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा था, तभी अचानक कॉरिडोर में जो टेलीफोन होता है वो जोर जोर से बजने लगा। फिर मैं उठा, बाहर की तरफ गया, टेलीफोन उठाया और कहा हेलो। सामने से आवाज आई, पीछे पलट कर मत देख। फिर क्या हुआ? मैं पीछे पलट कर नहीं देखा और रात भर वहीं खड़ा रहा। बहुत अच्छी कहानी है, और कुछ सुनाओ। एक और सुनाता हूँ। अमावस की रात थी और मैं बाहर सो रहा था, तभी एक आदमी आया और मुझे जगाया और कहा माचिस है, और मैंने उसे माचिस दी और उसने माचिस से अपने आप को जला दिया। ये मंजर देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और ज़ोर ज़ोर चिल्लाने लगा। ये सुनकर सभी घर वाले बाहर आ गए। घर वालों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उनको बताया यहाँ पर एक आदमी था जिसने अपने आप को जला लिया। उन्होंने देखा वहाँ पर कोई नहीं था, फिर उन्होंने कहा ये शायद तुम्हारा सपना हो। वो लोग ये बोलकर वापस चले गए और मुझे भी लगा कि शायद मेरा सपना होगा। फिर मैं भी अपनी चारपाई पर वापस सोने चला गया। तभी मैंने ऐसा कुछ देखा जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। ऐसा क्या देख लिया तुमने? माचिस देख लिया मैंने, वही माचिस जो मैंने उस आदमी को दिया। अगर ये सपना था तो फिर वो माचिस वहाँ कैसे है? समझे तुम लोग? अच्छी है, बहुत अच्छी है। और कोई सुनाओ। एक और है, सुनाता हूँ, मगर पहले मैं थोड़ा बाथरूम से आ जाता हूँ।
तुम अच्छा हुआ तुम आ गए। चलो इतनी रात को अभी तक के आए नहीं ऑफिस में, चलो बैठो। एक मिनट रुको, गाड़ी में मेरा बैग रखा है, मैं ले लेता हूँ। फिर क्या हुआ? एक गाड़ी खड़ी थी यहाँ पर, मैं बारात जा रही थी। वो कहाँ गई? बारात? हाँ बारात। अबे पागल बैठ जल्दी, तुझे पता है आज कौन सी रात है? अमावस की रात है, वो जरूर भूतिया बारात होंगी। किक मारकर स्टार्ट कर देते हैं।